मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं दो बार त्याग कर उसूलों और सिद्धांतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े। पहली बार 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दिया और इस बार इस्तीफा दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा रख रही थी, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिसमें हमारे नेताओं को परेशान न किया गया हो, उनको गिरफ्तार न किया गया हो, उनको प्रताड़ित न किया गया हो, उनको तोड़ने की कोशिश न की गई हो, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़े हैं, उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार 67 सीट आई, एक बार 62 सीट आई, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। और यह विश्वास और भरोसा क्यों है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने 10 साल के अंदर काम करके दिखाया है दिल्ली में। फ्री बिजली किसी गरीब आदमी के लिए सपना हो सकता है, लेकिन उस सपने को सच करने का काम केजरीवाल जी ने किया। फ्री पानी, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, यह सपना केजरीवाल जी ने पूरा करके दिखाया। हर मां बाप का सपना होता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दे। कितना मुश्किल है आज के दौर में, हजारों की फीस लगती है, लाखों के डोनेशन लगते हैं। ऐसा विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली के अंदर बनाया जिसका उदाहरण आज पूरी दुनिया दे रही, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया। गरीब आदमी का भी बच्चा आज अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, IIT में, मेडिकल में उसका एडमिशन हो रहा है। फ्री कोचिंग, ऐसे मेधावी छात्र जिनके पास पैसे नहीं होते कोचिंग करने के लिए, उनको IAS बनने का मौका मिले, PCS बनने का मौका मिले, सिविल सर्विसेज में जाने का मौका मिले, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिले, इसके लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम कराया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ की यात्रा। और इतना ही नहीं, सब कुछ करने के बाद पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों का मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली की जनता मानती है कि सारी सुविधाएं निशुल्क, उसके बाद मुनाफे का बजट, यह है अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र। इसलिए जितना आप केजरीवाल पर कीचड़ उछालोगे, जितना उनके खिलाफ दुष्प्रचार करोगे, उतना भारतीय जनता पार्टी गर्त में मिलेगी, उतना जमीन के नीचे जाएगी बीजेपी, ये बिल्कुल तय है। तो मैं दिल्ली के अपने सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 11 बजे से लग रही है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं, उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में पहुंचिए और केजरीवाल साहब के विचारों को, उनकी बातचीत को सुनिए और अपना प्रमाण पत्र दीजिए।